नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे राम सेतु की राम सेतु एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए बीच बीच में बुबुले की तरह फूलता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है और हर बार बीजेपी और आरएसएस कोशिश करती है कि, कि किस तरीके से इस मुद्दे को अपने लिए भुनाया जा सके इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ़ प्रबीर पुरस्ता प्रबीर सबसे पहले तो यही बात कि आर एस एस और भाजपा इनका एक बहुत एक परंपरा चली आ रही है मतलब इनकी सोच की परंपरा है कि मिथक और इतिहास को आपस में मिला देते हैं तो क्या राम सेतु जिसका मतलब थोड़ा बहुत एक फिजिकल रूप में वो नजर आता है क्या ये भी एक और तरीका है आरएसएस का ये मिथक और इतिहास को मिलाने का इस पर इतिहास तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक तो जो है वो सिर्फ मिथी है हाँ ज़रूर एक बात है कि कुछ स्ट्रक्चर सा दिखता है जो कि आप अगर सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि श्रीलंका और भारतवर्ष के बीच में एक ऐसा कोई कनेक्शन नज़र आता है जो कि पहले अगर समुद्र नीचे था तो ज़मीन ऊपर समुद्र के ऊपर होता और एक एक तरह से कनेक्शन था जो समुद्र ऊपर आते आते ये नीचे चला जाता है और ये एक टेढ़ा बेढ़ा सा है हालांकि बहुत सत्रह हज़ार मील ऊपर से देखेंगे आप पाँच हज़ार मील ऊपर से देखेंगे लगता है करीब करीब स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन भी नहीं है ऐसा थोड़ा टेढ़ा से होके वो जाता है जैसे कोई भी अगर आप माउंटेन शाखा देखें माउंटेन रेंज को देखें हिल्स की रेंज को देखें जिस तरह जाता है वो भी जाता है तो वो नेचुरल फॉर्मेशन ये तो सभी इसको मानते हैं पर हर तीन चार पाँच साल में एक बार कहा जाता है कि राम के सेतु जो है वो नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसको बानरों ने बनाया उसको राम जब श्रीलंका गए थे लंका गए थे तब तो श्रीलंका नहीं था लंका गए थे तब यहाँ उन्होंने सेतु बनवाया था बानरों से वगैरह वगैरह तो इस पर इस बार भी इस तरह से जो आप कह रहे थे बबूले निकल के आए हैं कि एक साइंस चैनल टीवी चैनल है वो ये कहा है कि हो सकता है ये नेचुरल ना हो बल्कि ये किसी ने बनाया है और ये भी सवाल खड़ा किया कि उस पर जो सैंड है जो रेत है वो चार हज़ार साल की है और पत्थर सात हज़ार साल की है तो ये कैसे हो गया तो ये साइंस चैनल एक ख़ास चैनल है जो सैटेलाइट इमेज को लेकर उस इस तरह के चीज़ें प्रोग्राम करती है और वो लगातार यही उनकी कोशिश है कि एक सनसनी खेज वातावरण पैदा करें उसके लिए लोग आए देखें और इसके बाद इसका विज्ञान बताएं कि कैसे ये संभव है तो मेरे ख़्याल से इस पर कोई ऐसा कोई बात नया बात निकलने नई बात निकलने का संभावना नहीं है क्योंकि साइंस चैनल कोई जानकारी अलग से हासिल नहीं की वो सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी के आधार पे कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और ये भी जो जिसके ऊपर इतना चर्चा हुआ सोशल मीडिया में आया तीन तीन बीजेपी के मिनिस्टर ने बयान दिए कि ये तो एकदम साबित करता है कि यूपीए सरकार की जो एफ़िडेविट थी कोर्ट में वो गलत थी कि सेतु समुद्रम की जो उन ड्रेजिंग कर रहे थे राम सेतु मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं था उन्होंने कहा था इसको कोर्ट के सामने जो एफिडेविट दिया वो भी गलत है और कैसे साबित होता है साइंस ने कहा साइंस ने साइंस चैनल ने एक प्रोमो बनाया था उसके अंदर ये सब कहा गया है और वो भी कहा कि आप देखिए चैनल को ताकि आपको पता चलेगा आखिर में सत्य क्या है और दावे के साथ हम मैं कह सकता हूँ कहीं, कहीं बीजेपी तैयार है लेकिन हिस्टोरियंस जो इतने इतने प्रमाणों के साथ बात करते हैं कि राम दरअसल एक मिथकीय पात्र है वो उनको नहीं मान रहे हैं जहाँ प्रूफ नहीं है जहाँ एविडेंस नहीं है उसको मान रहे हैं लेकिन जहाँ एविडेंस है उसको नहीं मान रहे हैं <laughs> अब बीजेपी uh, की इतिहासकारों इतिहास, इतिहास को अगर देखें तो उनको यह मानना है जो हमारी मिथ्स है उनकी अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए कोई भी साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बनस्पत वाई एस राव इनका आई सी एच आर का जो चेयरमैन है जो रिज़ाइन कर चुके फिर भी बरकरार है अभी भी अपने पद पे वो ये कहते हैं कि हमारा वेस्ट तब बेसिस पे हमको इतिहास को नहीं देखना चाहिए मिथ मिथ नहीं है हमारी कलेक्टिव मेमोरी है और इसीलिए इस कलेक्टिव मेमोरी की अहमियत कोई भी वैज्ञानिक तथ्य से ज़्यादा है ये तो कहना कि मेरा विश्वास ही इतिहास है ये अगर कोई कहे तो उसे उसके तो कोई ज़बरदस्ती उनसे की नहीं जा सकती ये भी है कि जब वेस्टर्न विज्ञान प्रमाणित करता है इतिहास इतने हज़ार साल पुराना है फलाना है धमाका है तब ये कहते थे वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है ये हमारा सभ्यता को नीचे दिखाने के लिए ये वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है साजिश है और जब कोई भी कहीं भी विज्ञान के नाम के कोई भी चीज़ कह देता है जिससे उनको लगता है कि उसको समर्थन मिल रहा है तो कहते हैं कि वेस्टर्न टीवी साइंस चैनल ने कहा है लगातार उन्होंने ये कहा साइंस चैनल कि इफ वाकई एक साइंस विज्ञान का अपने पास एक चैनल है ये नहीं कुछ इंसान इसको एक चैनल टीवी चैनल बनाया है और उसको साइंस चैनल नामकरण किया है इतिहास इतिहास चैनल से नहीं आता विज्ञान विज्ञान चैनल से नहीं आता विज्ञान छानबीन रिसर्च से आता है और ये साइंस चैनल ख़ुद बताता है हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हम तो सेटेलाइट जो इमेज़ है जो उस पर तस्वीर देखती है सैटेलाइट से उस तस्वीर में कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आए जिसको एक एक्सप्लेनेशन ज़रूरत है उसके लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं और इनका सनसनी खेज करने का ये मकसद है कि लोग उसको देखें वो आर्थर के कहाँ पर उनका राउंड टेबल था स्कॉटलैंड में ये खोज करते हैं लॉकनेस मॉन्स्टर के ये खोज करते हैं लाकनेस की जो लेक है उसके अंदर कोई अजीब चित्र उनको मिला इमेज उनको मिला उसके आधार पर कुछ कहते हैं आखिर हर वक्त पे आके कहते हैं इसका नेचुरल एक्सप्लेनेशन है और यहाँ भी इस पर कोई अलग नहीं है सवाल इसकी नहीं है सवाल है विज्ञान चैनल के इस वक्त नहीं है सवाल है इन तथाकथित इतिहासकारों का और बीजेपी के नेताओं का जो कि हर अपना जो मिथिक विश्वास है उसको वो दांव पे रखने के लिए तैयार है हर बार जबकि हर बार प्रवानित होता है यह गलत है और इस बार भी यही प्रवानित हो रहा है कि यह गलत है इसमें खास एक चीज़ है कि उनका तो कहना है कि भगवान राम एक क्या है? दस लाख नहीं, नहीं सत्रह लाख पचास हज़ार साल पहले पैदा हुए थे अब ये साइंस चैनल को है कि तो चार हज़ार साल की इसकी रेत है तो इसका मतलब अगर साइंस चैनल सही में कहा होता कि राम सेतु राम की बनाई हुई है तो भी तो सिर्फ चार हज़ार साल की होती तो वो क्या मानते राम सेतु राम की बनाई हुई है और राम का सिर्फ चार हज़ार साल पुराना अस्तित्व है और ये मानते कि ये राम सेतु से इससे कोई लेना देना नहीं है और राम जो है सत्रह लाख पचास हज़ार साल पहले पैदा हुए हैं तो यहाँ पर भी इनको इस तरह की कोई रिकॉन्सिलियेशन इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं वो एक पाक्षिक एक बात को पकड़ के अपना

कितना संभव हो सकता था कहना तो ये है क्योंकि इसमें गहराई ज़्यादा नहीं है समुद्र में वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एक सैंड बार जिसे कहते हैं रेत की एक वहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको ऊपर पत्थर रखे थोड़ा ऊंचा किया गया है एक तो कहना ये है तो तैरने की पत्थर का वाकई बात नहीं है वो तो पत्थर वहाँ रेत के ऊपर रखने की बात है सवाल है उस वक्त की बात तो छोड़ दीजिए आज भी अगर 35-40 किलोमीटर जो कि टेढ़ा मेढ़ा होकर 35-40 किलोमीटर हो जाता है सीधा लाइन खींचे तो 30 किलोमीटर होता है उस पर अगर इतने बड़े बड़े पत्थर रखना है जो हमको दिख रहा है तो ये उस वक्त की बात छोड़िए आज के इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तो ये कहना कि वानर सेना ने या राम के सेना ने ये बना दिया ऐसे ब्रिज उस वक्त पत्थर को रख के कोई टेक्नोलॉजी 4000 साल पहले क्या आज की तारीख में भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इतने बड़े पत्थरों को वहाँ रखना ये आसान काम नहीं होता लेकिन इस पूरे मुद्दे के पीछे एक बहुत गंभीर चीज़ भी है कि वैज्ञानिक शोध जो है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार वैज्ञानिक शोध के लिए जो बजट दिए जा रहे हैं उनमें कटौती हो रही है और दूसरी तरफ ये लोग मिथक और इतिहास और विज्ञान को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत में वैज्ञानिक शोध का क्या इसकी क्या, क्या स्थिति रह जाएगी अगर इसी तरह चलता रहा तो देखिए शोध तो इस पर अलौकिक चीज़ों पर बढ़ रहा है शोध तो गोमूथ क्या कहते हैं पांच गव्या की चीज़ों पर बढ़ रहा है तो ये तो एक वाकई एक धक्का है उसके साथ साथ मेरे ख़्याल से जो ज़्यादा बड़ा धक्का है वैज्ञानिक सोच का धक्का है कि वैज्ञानिक तरीके से सोचना हम अगर बंद कर दें तो हमारी प्रगति हो नहीं सकती हम सोचेंगे विज्ञान हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ गोमूत्र चाहिए गोबर चाहिए उससे हमारा सब काम हल हो जाएगा अगर उस रास्ते पे चलना शुरू करें हम ये सोचें कि संस्कृत पढ़ लेंगे उससे कैसे हवाई जहाज़ बनाना है सीख लेंगे रोनोटिक सीखने की ज़रूरत नहीं है तो ये वैज्ञानिक सोच के ऊपर प्रहार है मैं समझता हूँ यहाँ पर हमें इसको बात को ख़त्म नहीं करना चाहिए हमें ये भी देखना चाहिए आज के मीडिया के अंदर वैज्ञानिक सोच कहाँ गया क्या वजह है कि मीडिया ऐसे क्लेम्स को टाइम्स नाउ चैनल में उनका क्या है राहुल शिवशंकर वो बड़े बड़े चीख चीख के ये बता रहे थे लॉर्ड रामा लॉर्ड रामा ने ये राम सेतु बनाए और ये विज्ञान कहता है साइंस चैनल कह रहा है तो ये ऐसे एक बड़ा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उनका चीफ एडिटर उसका पूरा चैनल इसके पीछे अगर खड़ा होता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ एक साइंस रिपोर्टर भी नहीं है एक साइंस एडिटर नहीं है वो फ़ोन उठा के किसी वैज्ञानिक के पूछे नहीं मरीन जियोलॉजिस्ट को नहीं पूछे मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पूछे सीधा एक साइंस मैन चैनल का एक ट्विटर अकाउंट में एक छोटा सा प्रोमो वीडियो जो उन्होंने डाला है उसके आधार पे आधा घंटा एक घंटा चीखते हैं इस बात पे तो वैज्ञानिक सोच हमारे समाज के अंदर ख़त्म होना ये तो खतरा है ही पर न्यूज़ चैनल से पहले ख़त्म हो गया तो हमारा विज्ञान का एक प्रचार पे मीडिया का एक रोल होना चाहिए वो सिर्फ ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो अवैज्ञानिक चिंता और ऐसे चीज़ें इस वक्त हमारे मीडिया के बड़े अंश इसमें जुड़े हुए हैं ये हमारे मेरे समझ में भारतवर्ष के भविष्य के लिए और युवा पीढ़ी के लिए ख़ासतौर तो से बहुत बड़ा ख़तरा है इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही और कई विषयों पर जानकारी हासिल करने के लिए न्यूज़ क्लिक को देखते रहें हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया